अरे नीचे भी दाग करो दालों को पकड़ कर जाए यही जिसके हिम्मत है कि यहाँ से स्थिति देखिए क्या हो चुकी है। स्थिति देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है राकेश टिकैत जो है वो मंच पर आ गए हैं। मंच पर आने के बाद उन्होंने भाषण शुरू कर दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं सामने सुनिए तस्वीरों में। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी बातचीत चल रही है यहाँ पर डंडा फिर कोशिश करे कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। हम बातचीत करने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही साथी तो इसके साथ यहाँ मंच पर तस्वीर बदल गई है। मंच पर माहौल बदल गया है। राकेश टिकैत ने मंच से कह दिया है कि वो गिरफ्तारी देंगे। हट जाओ, राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे, लेकिन इसके बाद स्थितियां खराब हो गई है। स्थितियां बिगड़ गई है। एक मिनट रुक जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। लेकिन क्या कुछ राकेश टिकैत जो है मंच से कह रहे हैं उसके बाद आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए, लगातार सुनते रहिए। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। गोली चलाओ यही मरेंगे। नहीं खाली करेंगे। बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है। मरेंगे गोली चलाओ खाली नहीं करेंगे। स्थान यहाँ पर फसल बुझाओ रास्ता ले रहा बहुत बड़ी गद्दारी रास्ता ले रहा जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर जितने जवान है ये रास्ता खाली कर दो। अब इन लोगों को मरवा के नहीं जाने का। यही रहूंगा गोली खाऊंगा। गुंडागर्दी इनको रास्ता दो रास्ता ले दो। जी आप गोली चलवाओ ना 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 नहीं नहीं यहाँ पर सरकार से बात होगी। कोई धरना खाली नहीं होगा। बीजेपी के लोग यहाँ पे यहाँ के लोगों को मरवाया काम कर रहे। जो सरदार लोग यहाँ तक पहुंचे हुए बाहर जाए उनको पिटवाने का काम कर रहे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर आ चलो बाहर चल बाहर चल। इंद्र एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ यहाँ पे।